अच्छा छोड़ा, ये कुल धुन तर्ज छड़ी का आनंद मौज मस्ती के लिए हो, एक वीर रस की शानदार प्रस्तुति हो। वाह कहना है कैसे मास्टर? बड़ा हमारे आवाज में सुल्ला लो, हम लोग यहाँ भूल गए थे कभी जी मंच पर बैठे हैं जेकर लिखल बिरहा हम गाई ला। राम राज यादव कवि जी और चंचल गायिका भी गाती है, तो मैं कवि जी से बड़े भाई से चाहूंगा कि आप जरा खड़े हो जाएं और मैं कम से कम माला पहना करके आपसे आशीर्वाद ले लूं। जरा जोरदार तालियों से जब मैं माला पहनाऊंगा तो कवि जी को स्वागत करिएगा। चंचल तैयार है तो आई कह भैया पहले कवि जी का ये हाँ जोरदार जोरदार तालियों से स्वागत हो। वाह तमाम साथी और मेरे तरफ से भी ये कवि जी का स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत। अच्छा भैया आइए भी रस की प्रस्तुति है कैसे? छिपी अर्तिया अरे मोम पत्थर बनाए तो चट्टान को जगजीत भौजी रहा नौजवान अरे शान भारत की दम तुझे न गिरने दिया जिसके बाहो में ही मगिर के हंसते रहे तिरंगे को लहर नाच कर दिया। देखा भैया बात समझ ला, पंजाब के माटी में एक वीर पैदा हुआ जो ने वीर का नाम रहल, नाम रहल रणवीर सिंह, बहुत बड़ा पहलवान रहल के जरी बांसा न जामी रणवीर सिंह और उनके औरत का नाम रहल अमृत कौर। ये लोग पंजाब का रह वाला रहल, ए भैया सिख लोग सिंह लिखल लेकिन अहिर बिरादरी का रहल लोग वही जा पंजाब में बोलल जाला। ए भैया अहिर रहल यादव रहल लेकिन अमृत कौर और रणवीर सिंह से एक बेटा पैदा हुआ, एक बेटा पैदा हुआ जो ने बेटा का नाम जगजीत सिंह रखल गया, जगजीत यादव ना जगजीत सिंह रखल गया। आज जब रखल गया तो लड़का धीरे 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 पालन पोषण होए लगल, धीरे धीरे बड़ा होए लगला, धीरे धीरे खेलने लगला, धीरे धीरे लड़कन के साथ गोली खेलने लगला। क्रमशः 5-7 साल बीत गल, 8 साल बीत गल, खेलने लगला। बिरा न हो ऐसे 60 में एक बता दो, 12 साल में थोड़ो बतावल जाये। तो धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गल, गोली खेलने लगल सीसवा वाली गोलिया जो लड़कवा गुच्चिया में पिला के मारा ना। किन कहना है कैसे बदल गई जो उनके हमारे उस्ताद राम दे उस्ताद गावे, अपने जवानी के आलम में गावे, पीस के गावे,
ऐठ के गावे राजा मछल के गावे। कैसे गावे हो भैया? कैसे तैयारी दे दे बेटा तो साधु रस का भाव हो के गावे दिनेश भैया राम दोस्ता। लेकिन चंचल के साथे का बात ना बतावत है, आज के 5-7 बरिस पहले नोएडा में बिरहा दंगल 2 होत रहल, महुआ चैनल करावत रहल, वही में यही रजनीगंधा से बिरहा रहल। बिरहावा आधा घंटा 1 घंटा ना गावे के रहे, 13-14 मिनट में बिरहा खत्म करे के रहे। मुटका बदावा बनरा हाथ देखावे लगनी आ तबले मोटर हमार लगल बरे दिनेश भैया। हम कहली के रे बिरहावा तो हम जिंदगी भर से गावत है, कहली के सुना 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 ई हमार हा, कैसे हम फिट के गौले कैसे ई हम कहली नहा के अरे तर्ज हो। लेकिन बिरहा में कभी जी भाव लिखले हुए का लिखले, बड़ी महत्वपूर्ण लाइन कैसे अरे बिरो में लिखी अपने खोलो से कहाने पर्व राखी का मधुमास लेके आया था
अच्छे बहन का फैजाबाद में महत्ता आया था। बहन से राखी बधाने को तुआ ना भैया, बधा कर राखी ना खिलाज बचा ना भैया। भाव से छुट्टी लेकर जान घर पर आया, भाव से छुट्टी लेकर जान घर पर आया। उधर से पाकिस्तान भी उधर मचाया है। उधर से पाकिस्तान भी उधम मचाया है। ए भैया बात समझना, जगजीत सिंह का पालन पोषण होगल, धीरे धीरे बड़ा होने लगना, गोली खेलने लगना। लेकिन गोलियां खेलने से रोजी रोटी न मिली। गुरुजी नाराज हो तो का नहीं, अच्छा अच्छा यही समय तो मुकवर रहला बातचीत कर। अच्छा अच्छा और बढ़ाओ के नहीं, अच्छा बढ़ाओ के बढ़ा लिया। अभी बालचंद कम ना हो, साठा में पाठा लोग कहल बा। जगजीत सिंह का पालन पोषण होने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगना, गोली खेलने लगना, गोलिया में जैसे एकदम पागल हो गई ना। मास्टर साहब कहना कि अरे भाई तुहार बेटवा पढ़े ना आवत हो, गोली खेलना था, माई पकड़ लेनी ओकर झूठा बाल रख लेना बड़ा बड़ा बलवा पकड़ के लगनी मारे। कहनी की करे हाई हाई लड़नवा खेलत हुई, लड़नवा खेल के काम दे। अरे पढ़ोगे लिखोगे तब सिपाही बनोगे, तब सेवा करना चाहते हो, सिपाही बनना चाहते हो तो पढ़ो, हाई स्कूल इंटर पास करो। बात समझ ला। ए भैया माई मारे लगनी, अच्छा शेर मारे हैं बछऊ पछाड़ के, बिरहा निकलल रहल वो जमाने में, जोन शेर के पछड़ले रहल बछऊ दादा, वही उन्हीं का पोता हुआ, वही परिवार से हुआ हमारा आशीर्वाद है। ए भैया बात समझ ला कि लड़का धीरे धीरे आप पढ़े लगल, आज जब पढ़े लगल तो धीरे धीरे हाई स्कूल पास किया, इंटरमीडिएट पास किया। अब उम्र हो गई सुरेश भैया 18 बरिस का, 18 बरिस का उम्र भइल, सेना का खुली भर्ती होत रहल, जैसे 60,000 भर्ती निकलने हुआ योगी बाबा। अगर सफल हो जाए तो अच्छा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भर्ती निकल लेकिन देरी से, इसको और पहले निकलना चाहिए, लेकिन कुछ छूट मिले के चाहिए। अखिलेश जी ने कहा योगी बाबा वो छूट 3 साल का दे देने हुआ, तो नए या पुराने जो साथी है तैयारी कर रहे, हम यूपी पुलिस के जवान बनेंगे, तैयारी करो भैया, हो सकल दिन बदल जाए। तब यार का बहल की लड़कवा भर्ती हो गल जगजीत सिंह, आज जगजीत सिंह भर्ती हो गया तो ट्रेनिंग पूरा करे बदे फैजाबाद छावनी में गयल, ट्रेनिंग पूरा कैलस। अब वही जय समय बितावत हुआ तबले घरवा से चिट्ठी बहिनिया लिख के लिख भेजल से, जगजीत सिंह का छोट बहन लिखली है कि भैया भैया ना ले बात का, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, आइए आपके कलाई में मैं राखी बांधूंगी। भैया के चिट्ठिया मिलल पढ़ल बड़ा ना ले बात का, साहब से जाके छुट्टी मंगले कि ये साहब हाई चिट्ठी आई रहो, हमारा बहन के बुलावा पत्र आल है छुट्टी दे दा, राखी बंधवावे के हो। साहब छुट्टी ना देना, जब ना देना तो बहनिया थक के हार के एठे और चिट्ठी लिखलस, रोय के लिखलस कि भैया ना ये बात का, अरे माई चारपाई बगिरल है, बीमार पड़ल है भैया, छुट्टी लेके जल्दी आवा। चिट्ठिया ले ले अब पहुंचलन हा, पहुंचना ने साहब के पास सलूट मरना है, कला सर ये बहन का पत्र आया है, मेरी माँ चारपाई पे गिरी है साहब, माई जवन पैदा कैली अपने छाती का दूध पियौली, वो मतारी बीमार पड़ल है, अगर आज छुट्टी न देबा तो हम नौकरी से रिजाइन कर दे, अभी इस्तीफा दे दूंगा। साहब छुट्टी दे देना, आज जब छुट्टी देना है तो जवान वर्दी पहना है, बेल्ट कसल हा, बेल्ट लगौले हुआ, बेल्ट कसल स्टार लगे है, टोपी लगौले हुआ,
अटैची लेके चल देना माजर, आ ट्रेन से उतरला, मिठाई खरीदला दुकान पर, आ जवान माजत ऐठा चल देला घरे, तो तर्ज बदल गई, वीर रस का भाव हो, ये राम दोस्ताद वाला भाव हो, कैसे भैया? बा कहाँ गए ले दिनेश भैया? देखा ही राम दोस्ताद वाली हो, कैसे हो? के पिया परदेसी, अरे पिया परदेसी ना भावे, उड़ी उड़ी जाने अजरिया, तर्ज रहा ले, लेकिन बिरहा में भाव हो, कैसे मास्टर? अरे सीमावा से नहर, सीमावा से नहर के लाले सने सना, नवारे जो है तो हरा के बनावा, लेकिन भैया हो जगजीत सिंह छुट्टी लेके घरे आ गेल, मिठाई रखला, टैची रखला, कपड़ा उतरला, माई बाबू का चरण पकड़ला, हाँ आशीर्वाद लेला, हाँ अरे बचवा आ गेला, पानी वानी पिया, खाना वाना खा, रात शाम भइल है, रात के खूब हाल चाल भइल, सुतला लोग, सवेरा भइल है, दूसर का दिल बीतल हंसी खुशी के साथ, खूब बढ़िया बढ़िया खाना पकवान बनत हो, खाना खेल पियल, दूसर को दिन बीत गल, आ तीसर का दिन आयल है, जब तीसर का दिन आयल है तबले अब ही राखी का त्योहार ना आयल हो, राखी बनवावे के हो, दुई दिन अब ही बाकी हो, चार पांच दिन पहले में आ गल, दुई दिन बाकी है तबले सीमा से तार आ गल, अर्जेंट तार आयल है के रे जवान, लिखल रहल का लिखल रहल, अरे जननी निहार आज रहिया तोहार हो, अरे आके लाल पाटली हाथ दिखावा हमार हो, अरे जननी रे जननी रे जननी, अरे जननी का दिखावा तुला करके पाटा,
बड़ी मेहनत करे के हो भाई कमलेश्वर के नहीं भर्ती हो और थोड़ा सा भाई मेहनत करा। ए भैया वही समय भैल का कि जगजीत सिंह कपड़ा उतार के आराम करा लगल। अब वही समय भैल का कि चिट्ठिया आये गिर सीमा से तार आयल आ तार आयल है आ लिखल रहल खोल के पढ़ल एकदम अवाक रह गए। अरे बाप रे बाप छुट्टी लेके आईली राखी बनवाओ बदे अभी तो रखिया बनवाई बन कैली का करी हई हई बुलावा पत्र आ गल बुलावा पत्र आ जाला बाबू तो सुन ले हो बालो कोई भी जवान हो तुरंत जाना पड़ता है। धर्म संकट में हमारे देश का जवान पड़ गया। एक तरफ दलदल है दूसरे तरफ पानी है कहाँ जाई दलदल में जाइला ता धंस जाइला पनिया में जाइला ता डूब जाइला झंखत हुआ का करी। आ तबले तने में का भेल मास्टर बहनिया सामने आ गई है कलश की भैया अरे भैया उदास के उदासन किसन हुआ है तोरे हथवा में सफेद कागज किसन है कल कागज ना हरे पगली सीमा से तार आयल है हमार छुट्टी खत्म है बुलावा पत्र आया है मुझे अभी और इसी वक्त सीमा पे जाना पड़ेगा। बहनिया कलश की तो का लड़ने से डर लगा था डर ना लगा था सोचा था कि रखिया ना बन होली बहनिया कलश के अरे अब की ना राखी बन हुई बात तो फिर अगले साल त्योहार आई ना तर्ज बदल अरे तो हके चढ़ाई बा मैया अरे नारिया रचुला अरिया हो गंगा जी अरे भोजल मैया यह मार्मिक भाव है स्थल के ऊपर गौर करेंगे। बिरहा कलाकार कोनो बड़ ना होला बिरहा श्रोता कलाकार अगर बैठ के शांति से बिरहा सुन ले तो टूट पूजा गवैया महान हो जाला बड़ गवैया हो जाला बड़ आप लोग बना वाला हमार ना है स्थल आ गल बदल गल करुण उसका भाव हो कैसे अरे बोला है बहिनिया से अरे जान गुला जा अरे हो पहले हमारा एकदम अपने चरम पर चढ़ा थे कैसे मास्टर आई गई लसीबावा से तरवा हो की बहनी हमारे अरे जननी पुकार अरे माता के बजा हरवा हो अरे परसा जहवा कोलिया अंगारा हो की बहने हमारे हवा गोलिया अंगरवा हो की बहनी हमारे कहले की बहनिया अरे कागज ना हरे इस सीमा से तार आयल हम जात है कहलस बहनिया की तब हम रोकत कहा है पागल हो गई ना अरे अरे अब की साल राखी ना बधाई तो अगले साल सावन का पूर्णिमा आई उमे राखी बांधब जिंदा रहबा तो राखी बांधब काहे के चिंता कैले हुआ ये हमरे आंख से आंसू गिरत था तो जनला की बहनिया के आंसुआ रोकत था।
ना 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 भैया, यासु रोकत ना है, यासु तो के संदेश दे था, यासु तो के प्रेरित कर था। बहनिया कहत बा का कहलस, बोली बहन है भैया, अरे बोली बहन है भैया, बोली बहन है भैया, रोता तेरा वतन जाके बचा लो इज्जत सर बाध के कफन। बोली बहन है भैया, सर बांध के कफन, बड़ी मार के वाली बात कलस का कलस, अरे राखी किया बरू को, राखी किया बरू को रखना संभाल के, अरे दुश्मनी को झूर कर दो हनुमान बन के भैया, अरे हनुमान बन के भैया। बहनिया कलश की भैया, देश का मान सम्मान तोहरे ऊपर है, आजाद हुआ तब मान सम्मान बचैया, हनुमान बन के पाकिस्तानियों की लंका का दहन कर देना भैया। इतनी बात कह के बहनिया जब लल करलस है, तैयारी है लखनऊ ना, अच्छा 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 अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है अपने नौजवान युवा साथियों का कि आप लोगों ने इतना समय दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। नमो, एक बार फिर से बता धीरज 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 भैया, तुम्हारा मोबाइल नंबर कवि जी के लिखा दिया था, तो देखे कहना है एक बात, यहाँ कवि जी लिखे हैं कि जब बहनिया इतना बात कहल से जवान वर्दी पहना है, चल दिया पहन करके, तेरी कभा वीर रस का लाइन है कैसे, कैसे चलना है मास्टर, अरे बहनिया तुहरो जो ही रहिया, अरे बहनिया तोहरा जोई रहिया, अरे भैया राखी का रखा हमारे तलिया तलिया तलिया, कल के गांव तो चला बहादुर छंब क्षेत्र पहुंचा बलकार, कल के गांव तो चला बहादुर छंब क्षेत्र पहुंचा बलकार, सीमा के ऊपर बैठ गया वह लगा के घा, अरे राम चला के गोली सात सिपाही, कोला तारा दिल है सत्तार, अरे चोरिया दाढ़ी बढ़ा वहां से रहा धेरी नहे से लाल, भैया बहनिया एक लोटा पानी लेके आगे आगे पहुंचावे पे चल देलस, पीछे पीछे बहन बहनिया आगे, पीछे भैया, उनके पीछे बाबू माई, बस आइल है लोटा का पानी बहनिया दे देलस कलस की, भैया भैया जात हुआ तो जा जा, हम तोके रोकत ना है, लेकिन देश का मान सम्मान बचाया,
उतर के ट्रेन से सीधे दिल्ली पहुंचते हैं। वहां से आदेश मिला कि जवान तुम्हें छंब क्षेत्र में जाना है। गुरुदेव प्लेटफार्म पर गाड़ी आ गई, आ गई, तुम्हें छंब क्षेत्र में जाना है। मोर्चा संभाल करके डट गया है, एक नहीं दो नहीं सात पाकिस्तानियों को मारा है। सोचा तुम सलाम आग की पुतरिया नाच रही है। देवराज भैया सोचा तुम कि कब साला ओहू के मारा वीर रस का भाव हो कैसे अरे वतन के जवानी वाला बचपन वाला अरे वतन के पीछे सारे पर उठा के क्रांति की ज्वाला कबर तेरी जलाएंगे। भाव तब बहल है का मास्टर ए बाबू बिरहा एकदम चबर चरम पर हो, पांच सात मिनट का बिरहा और रह गई हो। आई है निचोड़ हा कैसे कैसे कि सात पाकिस्तानी के बार के गिरा देला, आठवा के चक्कर में रहल। कब साला आठवा आई वो के मारब, निशाना एकदम सामने है आगे हो। तबले का भैल तने में एक पाकिस्तानी सैनिक बगल से भैंसा वाले भाई के तरफ से यहर से आ दूरबीन से देख लेलस, दूरबीन से देख लस कलस की ओ माई गॉड, अरे ये तो हिंदुस्तानी जवान कई भाइयों को मार करके गिरा दिया। तुरंत वह धोखा किया है और धोखा कैलस का कैलस के हमारे देश के लाल के ऊपर फायर झोंक दिया। यही पेट के बगल से गोली निकल गई, एक गोली और मरलस यही पेट में आए के अतड़ी में फंस गई बाबू। आ तब तक एक ठे गोली और जब मरलस है उहो पेटवे में आई कि समाय गई, घायल होकर के एकदम इछलनी हो गल, खून के धारा चल लगल। अब वही समय भैल का मास्टर कहना अरे घेरे है जगह जेता सिंह को आ जाके अरे पेटवा में गोली लागी
गईली रे दाई अरे नदिया किनारे अजंखला अगल सिपाहे अरे बहन से बेटी याना अभैली रे दाई हे बाबू गोली लग गई हमारे देश के लाल को जमीन पर गिर पड़ा कह करके गिर पड़ा जब गिर पड़न है वही समय झंखत हुआ सीमा पर नदी के किनारे बॉर्डर पे झोस झंखत हुआ की का करी तर्ज बदल गेलू है तर्ज हम मास्टर अरे हम गवनवा नाही जाप तर्ज है लेकिन बिरहा का भाव है के झंखया जा बीरा नावा ना बहनी आपज न रहिया जो झंखया जा बीरा नावा अरे हमारे माई के धीरज बधाई है लड़का कथना आए ना यह सोचत हुआ आपने मन में सोचत हुआ बॉर्डर पर गोली खाए के गिरल हुआ माँ तुम्हारा बेटा तेरे दूध की कीमत चुका दिया माँ बाबूजी तुहार बेटवा तुहरे पगरी का लाज रख देना बहिन अपने मनवा में सोचत हुआ बहिन तुहरे तुहार भैया तुहरे राखी का कीमत चुका देना यह सोचत रहना केहू आस पास हो नहीं आ तबले इतने में का भयल उसको दिल्ली लाए उसको दिल्ली लाए अरे भाभी अस्पताल में अरे भाभी अस्पताल में भाई जहाँ रहली चार भारतीय सैनिक स्ट्रेचर पर उठा के लेके पहुंचला नजदीक के हॉस्पिटल की पहले इलाज किया जाए और जब वहां इलाज शुरू हो गल तो हालत सुधरत ना बा डॉक्टर लोग कहला कि इसे अभी और इसी वक्त नई दिल्ली सैनिक हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ेगा और जब वहां पहुंचला है एम्बुलेंस में लाद के ए भैया वही समय भैल है का कि तमाम डॉक्टरों की टीम नर्सों की टीम चल देती है डॉक्टर लोग अच्छे अच्छे एमबीबीएस एमडी सर्जन डॉक्टर कि अगर ऑपरेशन करना पड़ेगा तो अभी होगा भाव हब कैसे आए हैं ऑपरेशन शुरू हो गया और ऑपरेशन शुरू हो गया सक्सेस रहा लेकिन मालिक को कुछ और ही मंजूर था भगवान वह सोच रहा है इलाज हो गया ऑपरेशन हो गया सोच रहा है लेटा हुआ है और एक नर्स बैठी हुई है और तब तक सोच रहा है कि इतनी दवा हो रही है मैं सुधर नहीं रहा हूं मेरी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है
तो बुला करके धीरे से साई से बोलो ना मैम साहब इधर आइए। मैम साहब जब कान उनके मुंहे के पास लिए ही दें तो धीरे से साई से बोलना कि मैम साहब एक चिट्ठी लिख के भेज दिया मैम साहब, मैं बचूंगा नहीं मैं मर जाऊंगा, यह लिख दिया चिट्ठिया पर हमारा आखिरी चलत हो का निकल। अरे नर्स से बोला अब भारत का पुजारिया हमारे बाबो अरे भेज दिया घर खबरिया हमारी बाबो मेम साहब एक चिट्ठी लिख के हमारे घरे भेज दिया हमारे माई के नाम से कि माँ तुम्हारा बेटा तेरे दूध की कीमत चुका दिया, बाबू को मेरा प्रणाम लिखिएगा, अब बहन से कहिएगा कि भैया तोहरे राखी का कीमत चुका दे ला, हमार घर पंजाब में हो, हमार नाम जगजीत सिंह हो। उ नर्स जोन बैठल रहल ओके शंका समागिल, सीटी ले लिया झनकत हल्का सा शंका समागिल। आज जब शंका समागिल तो पूछत है कि अरे हरे 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 अरे हमरो सदिया तो बालेपन में भइल बा पंजाब में हरबरो सदिया भइल हो आ हमारा हूँ सैया का नाम जैसे शादी भइल जगजीता सिंह हो। हे भगवान धड़कन बढ़ गई कहीं ऐसा तो ना कि यह हमारे सैया हुआ। अरे बाप रे बाप बचपने में शादी हो गई हम अपने सैया के देखले ना है ना हमार सैया हमके देखले हुआ। शंका समा गई भगवान के मनावत है, हे मालिक जगजीत सिंह होखर पंजाब वाला लेकिन हमार सैया जगजीत सिंह ना होखर। शंका समा गई तो पूछत हो का पूछलस अरे शंका आसरिता के समय अब पूछे अली पाया अरे कहवा शादी भायन बा अरे बोलल आजा अरे जंगीपुर में हल्ला वही ससुरारिया हमारे बाप अरे बिन गौने का सरिता मोरा गुजरिया हमारी बाबो ए भैया बिरह का मेल लाइन आल्हा एकदम आ गल हो लेकिन बात समझला बात समझला। शंका समा गई पूछलस कि कहाँ शादी भइल हो का नाम हो कल कि शादी भइल हमार पंजाब में और हमरे दुल्हन का नाम शंका सरिता के समाइल पूछली बयनवा कहावा शादी भइल बाटी बोलल जनो तोहार शादी भइल जगजीत सिंह गला हाँ कहाँ भइल ह कल पंजाब में जंगीपुर गांव हो आ ओहिजे जन हो जंगीपुर में हुए ससुररिया हमारी बबुई अब बिन गौने का सरिता मोर गुजरिया हमारे हमारे दुल्हन का नाम सरिता है। वो भागन के मांग में बचपने में सिंदूर भर देली बाल विवाह कह लेली लेकिन देखली ना न पहचान पवली यही महीनवा में तो गौनवा के दिनवा पड़ल रहल है आए है बड़ी इच्छा रहल है लेकिन जब ये बतिया वो सुनलस आए है जगजीत सिंह सुनना की है सरिता है हमार दुल्हन है आए हाय हाय बाबू जी आला में कवि जी भाव लिख देलन कैसे हो बाबू अरे हाथ साथ है अजय सिंह
हर कमाल मुरझा अरे वल्लभा परत अजय से बाग मुरझा गिर गई सरिता वही दैया अरे फीटा फीटा छतिया रवानी पगला राम सेवक व्यापारी खेतलपुर के ऐतिहासिक धरती से 100 रुपए का पुरस्कार बार बार प्रणाम है कहना है ना। बात समझ ला एजे बात समझ ला ए भैया की जगजीत सिंह के प्राण पखेर उड़ गल लाश पर सरिता गिर गई समझ गई कि यह हमार पतिदेव हुआ ए नहीं से हमार बचपन में शादी भई ले महीना में अगले महीना में गौना रहा ला बिरा एकदम खत्म हो निचोड़ी है हो कि जगजीत सिंह का प्राण निकल गल सरिता समझ गिल कि है हमारे पति हुआ स्वामी कह करके लाश पर गिर पड़ती है लाश पर गिर के लगल रोए स्वामी चढ़ल जवानी में विधवा बना न देला यही महीना में गौना रहल तो सिर्फ कुछ दिल के बात कहे के रहली लेकिन दिलवा के बतिया दिलवे में रह गिलो स्वामी आये हाय वही समय का भयल कि अस्पताल में भीड़ इकट्ठा हो गई लोगों की भीड़ तांता लग गया अधिकारी आ गए तमाम नर्स तमाम डॉक्टर आ गए क्या हुआ कहलस कि क्या हुआ अरे अधिकारी लोग कहते क्यों रो रही है ये तो हॉस्पिटल है हम डॉक्टर हैं तमाम लोग आते हैं कोई जीता है कोई मरता है हमको नहीं रोना चाहिए तब कहलस कि साहेब रोई ना तो का करी साहब अमर दुनिया उजड़ गई लो साहेब इजन मरल हो केहू दूसर ना ई हमार देवता हो नहीं से हमार बचपन में शादी भइल आए हो साहब आए हो स्वामी यह कह के छाती पीट के रोवत बा अधिकारियों के भी आंखों से आंसू चलने लगा अधिकारी ऊंची ऊंची बात बोलकर समझाते तब क्या हुआ रोकर उनकी शहादत को बेकार कर रही हूँ अरे तुम्हारा पति मरा नहीं है लड़की तुम्हारा पति अमर हो गया उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया रो करके उसकी शहादत को बेकार मत करो यह बात कहला तब ढाढ़स में ढूलस शांति आईल अपने आंसू के पोछलस अधिकारिन से कहलस कि डीएम साहब आयल हुआ कहला हाँ डीएम साहब भी आ गए डीएम साहब से कहलस कि ये साहेब हम अपने पति का लसिया हमारे पति के लाश का दाह संस्कार एहिजा ना करल जाए कल क्या चाहती हो कहलस कि ये डीएम साहब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति की लाश को लेकर इनके गांव यानी अपने ससुराल जाऊंगी वहां पर चिता सजा करके लाश का दाह संस्कार होगा डीएम साहब वही करते हैं ताबूत में बक्से में लाश को बंद करवा दिया गया एक गाड़ी आती है कैरियर पे बक्से को बांध दिया गया सेना के जवान बैठ गए पहले ही व्यवस्था ना रहल पहले का रहल
की राखी आवे, शहीद भैले पर राखी आवे, टोपी आवे, बेल्ट आवे, रुपया पिया कुछ ना मिले, लेकिन सरिता कलश की ऐसा होके के चाहिए वही हुआ। और इस बात को कौन समझा, गरीबों की बात को समझे आदरणीय मुलायम सिंह यादव, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जब भारत के रक्षा मंत्री हुए, अपने रक्षा मंत्रित्व काल में विचार किए कि सेना में कौन भर्ती होता है, गरीब किसान मजदूर दलित का बेटा भर्ती होता है, बड़े बाप का बेटा तो बड़ा अधिकारी बनता है। नेताजी बदलाव किए कानून में कि अब राखी टोपी बेल्ट ना जाए, अब जौने प्रदेश का जौने जिला का जौने गांव का होई जवान ओकरे गांव तक पहुंचावे का जिम्मेदारी डीएम की होगी, एसपी की होगी, सारी व्यवस्था उनको करना पड़ेगा। और नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जहां कुछ रुपया ना मिलत रहल बढ़ा करके 10 लाख रुपया घोषणा कर दिए। तालियों से स्वागत करें धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का। आज उन्हीं के बेटे अखिलेश यादव उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं सत्ता के लिए। लेकिन साथियों आपको विचार करना है, ए भैया अब तक 10 लाख ना मिला था, दिखत हुआ ना करोड़ों मिल जाता था, गैस एजेंसी आप पेट्रोल टंकी तमाम तमाम, प्रदेश सरकार कुछ और देते हो, केंद्र सरकार कुछ और देते हो, देखी देखा अब करोड़ 2 करोड़ 10 5 करोड़ मिल जाता था। ए भैया कितना था जो शादी शुदा है, माता पिता के नाम से चेक ना मिला था, शादी के भैले के बाद लेके भाग जाते हैं। ओ कभी जी और कितना भाग गई, बाबू माई पलल पोसल बड़ा कैल माई बाबू के कुछ ना मिला, और सिनहरवा जी के भरले रहना शादी भैलू चल गई 200 कुल माल लेके चल गई, कुल माल लेके हड़प के चल गई। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आखिरी भाव लगल कैसे मास्टर, आए हाय जब लसिया लेके गाड़ी में लेके पहुंचल अपने गौवा जगजीत सिंह के गांव, तो गांव वाला देखत हो कला रे अरे अरे यार इधर लगत था जगजीत आएगल का, बड़ा सर सामान ले ले हो का यार, आ तबले गाड़ी दुआरे रुकल उ लोग के का मालूम है कि शहीद हो गयल, आ तबले उ लड़किया कूदल गाड़ी से घरवा में गईल रोवत गईल सरितवा, आ रोवत गईल जगजीत सिंह का माई रहनी यानी सास सरिता का सास, माई घरवा में झाड़ू लगावत रहनी, माई से कहली कि माँ तुम्हारा बेटा शहीद हो गया माँ, अरे माँ कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरे आंखों का तारा मेरा लाल, यह बतिया रो के कहते बाबू कैसे, अरे रोवला गई सरिता अच्छा के पीछे आजना, माई तुहारे सुगा नवा रे भैया सपना, माई तो हरे सुगनवार भैले सपना, पहुंच गए हैं जीप पास में गांव के सब नारी, हाय हाय निकलो सवारी अरे रे बाप मतारी, डुबल लहू में कफनवा रे भैले सपना, पहुंच गए हैं जीप पास में गांव के सब नारी, हाय हाय निकलो सवारी अरे रे बाप मतारे, ताकि बोलो हुए कफनवा रे भैले सपना।
लाश को लेकर के श्मशान घाट पर जलाने के लिए चल देते हैं और वही समय माई कहलीन है कि कहाँ है मेरा बेटा, मेरे आंखों का तारा, मेरे लाल। लाश को लेकर चल देते हैं। अरे गांव वालों, तुम लोग वादा करो एक एक घर से एक एक बेटा पैदा करो और उसे पढ़ा लिखा करके मेरे बेटे जैसा बहादुर बनाओ। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी तो मेरे गाने का आखिरी भाव, खानदान का परिचय कहना है। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु राम लाल मर बाका, स्वर्ग चंद्र का कभी बचर का विजय पता। अरे बहिनिया तुहरा जो ही रहिया, अरे राम राज कभी नरेश का तिरता भाषी रहिया, बहिनिया तुहरा।